जय यीशु। दैनिक आहार के इस भाग में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। मैं दाख लाता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पूरे बाइबल में यही एकमात्र दृष्टांत है जो हमारे और यीशु के रिश्ते को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त करता है। हम यीशु के अनुयायी होने के नाते उसके अंग बन जाते हैं, उसमें एक हो जाते हैं, हम में उनके जीवन का संचार होता है। वे कहते हैं, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। क्या आपने एक बात पर कभी मनन चिंतन किया है? क्यों दाखलता और डालियों के माध्यम से ही प्रभु हमारे संबंध को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हम थोड़ा सा इसके बारे में आज मनन करें। आपने दाखलता देखी होगी, अगर देखी है तो क्या आप बता सकते हैं कि उसके तने और डालियों में क्या अंतर है? अक्सर दाख की तना और डालियों में अंतर पाना आसान नहीं है। कौन सा तना है और कौन डालियां हैं हमें समझ नहीं आती। अगर हम बाकी पेड़ों को देखें तो आसानी से तना और डालियों को पहचान सकते हैं, तना मोटा और डालियां छोटी होंगी। जिस तरह दाखलता और डालियों में अंतर करना आसान नहीं होता, उसी तरह हमारा जीवन यीशु की तरह बन जाता है। हम उसके साथ एक बन जाते हैं, प्रभु यीशु का दिव्य जीवन हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगता है। अगर हम संपूर्ण रूप से उनके साथ जुड़े रहें तो हमारा स्वभाव, हमारा बर्ताव, हमारी सोच, हमारी बात, सब कुछ यीशु की तरह ही हो जाता है। प्रिय दोस्तों, उनके शिष्य होने के नाते हम उसी के लिए बुलाए गए हैं, वही हमारा बुलाहट है। हम फल उत्पन्न करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। हमें कैसे फल उत्पन्न करना है? यीशु की तरह ही प्रेम, दया, करुणा, सेवा, शांति और भाईचारे का फल, अपने विश्वास के साक्ष्य का फल। अगर हम फल उत्पन्न ना करें तो क्या होता है? प्रभु कहते हैं, मेरा पिता बागबान है, वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है। अतः यीशु के अनुयायी कहलाना मात्र काफी नहीं है, फल उत्पन्न करना भी जरूरी है। वह तभी संभव है अगर हम यीशु के साथ जुड़े रहें, उसमें बने रहें, उसकी शिक्षा और आज्ञा का पालन करते रहें। हम सबके लिए एक सुंदर सवाल है, क्या मैं यीशु में रहता हूँ या उससे दूर हूँ? क्या मैं उस दाखलता से जुड़ा हूँ जो मुझे जीवन प्रदान करता है, या मैं एक मृत सूखी डाली मात्र हूँ?